हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है एंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट एंड टिफ़िन की तैयारी करूँगी। देन उसके बाद हनी बनी को मैं उठाऊँगी। तो ये यहाँ पे मैं जीत के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, तो सैंडविच दूँगी उनको। तो यहाँ पे कुकुम्बर, टमाटर एंड प्याज जो है वो मैंने स्लाइस कर दिया एंड बॉयल्ड आलू जो है वो उसको भी स्लाइस कर दिया है। एंड यहाँ पे पुदीने की चटनी बना लूँगी। तो पुदीना लिया है, थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है, हरी मिर्च, नींबू का जूस एंड एक लहसुन लिया है, थोड़ा सा बस नमक ऐड करके देन इसका हम लोग चटनी बना देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं जो हनी बनी का टिफ़िन जो है उसकी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रोकली लिया है कुछ एंड ये बेबी स्पिनच लिया है, उसको हल्का सा मैं स्टीम कर रही हूँ। बस स्टीम करने के बाद ना इसको मैं प्योरे बना दूंगी, इसको मैं जो मिक्सचर में डाल के उसका मैं प्योरे बना दूंगी। तो इस मिक्सचर को ना आप पराठे में यूज़ कर सकते हो या पास्ता नूडल्स वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। तो हमेशा मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ क्योंकि हनी बनी बिल्कुल भी ब्रोकली जो है, ब्रोकली हो गया या स्पिनच हो गया, बिल्कुल वैसे भी कुछ बना के दो ना तो वो नहीं खाते हैं। तो उसका प्योरे बना दिया। यहाँ पर मैंने आटा लिया है, गेहूँ का आटा, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच करीब देसी घी। देन इसमें ऐड करूँगी बस नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। देन ये जो प्योरे बना के रखा था वो ऐड कर दिया है। आप चाहो तो इसमें दाल वगैरह डाल के भी बना सकते हो, या आपके बच्चे जो भी सब्जी नहीं खाते हो ना, ऐसे आप उसको स्टीम करके थोड़ा सा प्योरे बना के आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने बॉयल्ड आलू बना के रखा था, उसको भी उसमें ऐड कर दिया है। देन आटा जैसा गूंदना होता है नॉर्मल पराठे का आटा जो है वो हम लोग लगा लेंगे। एंड वो जो जार का जो पानी था ना वो मैं यूज़ कर लूँगी आटा बनाने के लिए। तो इसी टाइप का मैं प्योरे बना के ना उसको, मतलब सेम ऐसे प्योरे में पास्ता भी बना के दे देती हूँ, थोड़ा बटर एंड चीज़ वगैरह ऐड करके। तो वो खा भी लेते हैं एंड उनको पता नहीं चलता है कि इसमें ब्रोकली है, बट उनको अच्छा लगता है, बोलते हैं ग्रीन पास्ता, ग्रीन पास्ता बोलते हैं। वैसे इसको ग्रीन पराठा वो बोलते हैं। तो पहले जब वो स्कूल जाते थे ना तो इसी टाइप का मैं हमेशा बना के देती। अब तो वो बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इतना बनाती नहीं थी बस, बट अब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये पराठा बन के रेडी है। एंड यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए मैंने जो ब्रेड पे एक साइड पे मैं ये चटनी जो है वो लगा रही हूँ, देन एक साइड पे मैं मेयोनीज जो है वो लगा दूँगी। देन जो आलू बॉयल्ड आलू, हाफ बॉयल्ड आलू है ये, देन इसमें जो कुकुम्बर, प्याज, टमाटर वो ऐड कर देंगे। आप चाहो लेटस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। उसके ऊपर से थोड़ा सा नमक एंड ब्लैक पेपर का पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ जो है वो यूज़ किया है। आप चाहो तो जो नॉर्मल जो सैंडविच चीज़ स्लाइस होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हो। तो बस इसको मैं थोड़ा सा बटर के साथ में सेक लूँगी दोनों साइड से। तो मेरे पास वो नहीं है, सैंडविच मेकर नहीं है, तो मैं ऐसे ग्रिल पैन में ही सेक लेती हूँ। तो बस ये जीत का भी बन के रेडी है। तो ये है हनी बनी का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है एंड ये जो हेल्थ मिक्स वो हमेशा खाते हैं, इसमें मैंने जो चना, येलो चना वो डाला हुआ है, गेहूँ, देन जो ओट्स, देन साबूदाना, थोड़े से चावल बस, देन नट्स में मैंने काजू, पिस्ता, बादाम एंड और क्या डाला मुझे याद नहीं आ रहा, आमंड, तो वो सब ऐड करके थोड़ा सा मैंने उसको रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख दिया था। आप चाहो तो इसमें शुगर डाल के भी आप इसको पाउडर बना के रख सकते हो, बट मैं शुगर यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसे ही बस रोस्ट करके पाउडर बना के रख देती हूँ। देन बनाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा मैं जैगरी पाउडर जो है वो ऐड कर देती हूँ। अगर आप सर्च करना चाहते हो ना इसकी रेसिपी, तो आप हेल्थ मिक्स लाइफ इज़ ब्यूटीफुल अगर यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे भी मेरा ये पाउडर जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं दोबारा बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सूजी हो गए हैं सुबह के सारे काम, ये हो गया जीत का टिफ़िन लंच बॉक्स, वो थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो शेयर करके खाते हैं। देन ये हो गया हनी बनी का टिफ़िन, इसमें से एक पराठा जो है वो जीत खा लेंगे ब्रेकफास्ट में। ये हो गया मेरा सैंडविच, मैंने रेडी करके रख दिया है, बाद में खाने से पहले ही सेकूँगी। एंड ये हो गया हनी बनी का ब्रेकफास्ट जो छतुआ, बस पराठे को पैक कर दूँगी टिफ़िन में, साथ में थोड़ा सा दही दे दूँगी, उनको दही बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे मैंने लंच के लिए चावल बनने के लिए भी रख दिया क्योंकि उनको स्कूल ड्रॉप करने के बाद मुझे कहीं जाना है, बस आके फटाफट मैं सब्जी बना लूँगी, अभी बस चावल बना के रख रही हूँ। सो हमारे राजकुमार उठ गए हैं, बट शक्ल बनाई हुई है ऐसी क्योंकि रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे ना। सारा इसमें कसूर है डैडा का, डैडा को मूवी देखना होता है। अच्छा और क्या, क्योंकि उनके बेड पे जाने के बाद तो 1 घंटा स्टोरी टाइम चलता है। तो वही ओके मामा, वेल मेक यू ब्रेड।
और लो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप? देखो श्रीनिवास कैसे हैं आप? कैसे हैं नाप नहीं आप, उधर कैसे हैं नाप? किसका अच्छा नाप पूछ रहा था, कैसा है नाप, किसका नाप? तो आज के बाद मैं अपनी वाइफ को कभी भी कोई भी फूल नहीं दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ लेकिन वैसे बता रहा हूँ। मैंने तो खुद मना किया कि फ्लावर्स मत लाना, उसकी जगह पे पौधे ले आना कुछ। ये देखो, नहीं नहीं वो मत दिखाओ, वो दिखाओ ये मेरा फ्लावर है। मैं इसको बोला जब मैं फ्लावर दिया करूँ तो ऐसे ही फिल्मी कजिन की तरह ऐसे 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 होते रहते, मतलब ऐसे होके फोटो तो ले लिया और क्या करूँ, दिन भर ऐसे होती रहूँ। उधर दिखाओ, इसमें तेरी गलती नहीं है, फ्लावर जब मुरझाने लगता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो उधर तो दिखाओ थोड़ा। इनकी शक्ल तो ऐसे लगती है और उसकी वजह से किसी ने इनको रैंपट ही रैंपट मारे हो। तो वही इसके बदले में कोई पौधा ले आओ ना, तो कम से कम वो रहेगा तो कोई हमारे साथ। फूल तो 5-6 दिन में पौधा ओके आप ऑफिस निकलो, शिवा से मिला दो थोड़ा, कब से नहीं, बहुत दिन हो गए। शिवा उधर हेलो हाई भी नहीं करता आजकल, किधर गया? आ रहा है शिवा, आ रहा है शिवा, तैर के आ रहा है शिवा, किधर पानी में ढक गया शिवा, इज हियर गाइस। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक है, ठीक है, थोड़ा तेलुगु में। आज तो अलग व्लॉगिंग करता है तो कितना मस्त बोलता है। अंदर इल्ला विल्लर भावना रहा, क्या बात है। तो चलिए गाइस, शिवा की भी ब्लॉगिंग हो गई, मेरी भी होगी थोड़ी सी, निकलते ऑफिस को, काफी लेट हो जाएंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सुनो, इसको घुमाना होता है, इसको तोड़ दोगे क्या आप? टूट जाएगा क्या? चलो ठीक है, कुछ आई डोंट नो। अच्छा इसको ऐसे तोड़ दो, ओहो अच्छा देखो कितने प्यार से हो रहा है, पहले बता देती। ये देखो अभी पैदा हुआ है, उहा उहा रोने लगा है। तो चले गाइस, इनकी तो उहा उहा चलती रहेगी, मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए, मैं निकलता हूँ, इनका थोड़ा टाइमिंग देंगे ऑफिस। आप खाना तो ब्रेकफास्ट तो करो या लेके जाओ गाड़ी में? गाड़ी में कर लेता हूँ। चले गाइस, सी यू, बाय बाय। अरे कैमरा तो बंद कर दो। कैमरा भी बंद करने नहीं आती मुझे, कह रहे कैमरा तो बंद कर दो। रोटी एंड दही, ओके दही इन स्पून, ओके वेरी फिनिश योर टिफिन, ओके। सो व्हेन डू गो? गुड मॉर्निंग टू अंकल, इज क्लीनिंग, से थैंक यू टू अंकल। दैट वन चलो 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 चलो, या या
एंड थोड़े से आलू को मैंने फ्राई कर लिया। देन उसी सेम ऑयल में जीरा, हींग, देन थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड टमाटो, सब कुछ एक साथ अच्छे से भून लिया। देन उसमें हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के उसको भी भून लिया। देन उसमें ये फ्राई किया हुआ गोभी एंड आलू ऐड कर दिया है, उसको हल्का सा भून के मैं ग्रेवी वाला बनाऊंगी, तो इसमें मैं गरम पानी ऐड कर दूंगी। आप चाहो तो ऐसे ही ड्राई सूखा सूखा खा सकते हो, हल्का सा और उसको भून लेना ताकि मसाला जो है वो हल्का सा करारा हो जाए। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं इसमें प्याज या प्याज का पेस्ट कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। सो गाइस, सारा काम हो गया है, उनको स्कूल में ड्रॉप करने के बाद मैं कहीं गई थी, आ के फिर नहा के पूजा कर लिया है एंड लंच भी बना लिया। लंच क्या, डिनर भी वही, बस हनी बनी अभी थोड़ा सा खाएंगे, मैं तो अभी सैंडविच ही खाऊंगी। तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, 2 साल पहले का अगर मेरा आप ब्लॉग देखोगे तो ऐसे ही होता था, हनी बनी 8 से 11 स्कूल जाते थे, तो 8 बजे से पहले ही टिफिन, ब्रेकफास्ट सब कुछ रेडी रहता था, हो जाता था एंड जो 11 बजे से पहले लंच बना देती थी, डिनर की तैयारी कर देती थी, वो आते थे दोनों, बस नहा के उनको खिलाना होता था, उनको सुलाना होता था, उसके बाद और ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता था। इवनिंग को हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते थे या उनके साथ ही टाइम स्पेंड करते थे, हनी बनी के साथ में। तो ये भी एक रीज़न था कि हाँ मैंने ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे एंड स्कूल जाने लगे थे, मुझे थोड़ा टाइम मिलने लगा था एंड ट्विंस है तो वो आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे, तो मुझे टाइम मिलने लगा था। तो मैंने सोचा कि जॉब, फुल टाइम जॉब तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकती अभी, तो यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया, बाई चांस अगर चल जाए तो थोड़ा फाइनेंशियली मैं सपोर्ट कर सकती हूँ अपने हस्बैंड को। तो ये एक रीज़न था स्टार्ट करने का, बाकी डेली ब्लॉगिंग मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, कोरोना एंड फिर वो पापा के डेथ के बाद फिर मैंने वो डेली ब्लॉगिंग थोड़ा ज़्यादा बिजी रखने के लिए किया, बट एक कोविड के टाइम पे तो सब लोग घर पे रहते थे, थोड़ा सा मुश्किल होता था, बट फिर से धीरे धीरे लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ रहा है। अभी तो 3:30 बजे तक सब कुछ काम निपट जाएगा, नेक्स्ट मंथ से जब वो दूसरा वाला स्कूल जाएंगे तब वो आ जाएंगे 1 बजे के अंदर, फिर 2 बजे के अंदर सारा काम जो है निपट जाएगा, बस और कुछ नहीं। उसके बाद थोड़ा सा वो रेस्ट करेंगे एंड मैं उनको पढ़ाऊंगी हल्का सा। वैसे तो उनके टीचर ने बोला है कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर FS2, स्टिल अगर थोड़ा सा एडवांस रखना चाहते हो तो देन उनको थोड़ा सा रीडिंग सिखाओ, तो फोनिक्स, जैसे फोनिक्स, वैसे उनको फोनिक्स सारे पता है, मैंने उनको पढ़ाया हुआ है स्कूल से भी, उनको पता है जैसे एस का स, आ, ब, ये सब सिखाने के लिए, बट वो फोनिक्स को कैसे वो रीडिंग में यूटिलाइज करे वो उनको पता नहीं है। तो थोड़ा सा उनको जैसे उनके टीचर ने समझाया कि जैसे कैट हम लोग बोलते हैं तो क आट, ऐसे करके उनको सिखाना है ताकि वो फोनिक्स को यूटिलाइज करके थोड़ा सा रीडिंग कर पाए वो, मतलब ब्रिटिश करिकुलम में राइटिंग से पहले रीडिंग सिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ लिंक्स दिए हैं, कुछ बुक्स बोले हैं जो कि मैं उनको सिखा सकती हूँ, एंड राइटिंग का उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल भी राइटिंग उनको मत सिखाना, क्योंकि आपका तरीका हमारा तरीका डिफरेंट होगा, फिर बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहेंगे, तो आप राइटिंग हमारे ऊपर छोड़ दो, अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा रीडिंग सिखा सकते हो। एंड कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि हम दोनों, जीत और मैं दोनों इंडियन करिकुलम से बच्चों को क्यों ब्रिटिश करिकुलम में डाला। एक्चुअली 2 साल से वो कंफर्टेबल है इस करिकुलम के साथ में, ब्रिटिश करिकुलम साथ में, एंड साथ ही साथ वहाँ इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है बच्चों के ऊपर, एंड हम दोनों उनके ऊपर प्रेशर देना नहीं चाहते थे एंड प्रैक्टिकली थोड़ा वो पढ़ाते, तो इसलिए हमें ये सही लगा हमारे बच्चों के लिए। सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, हमें हमारे बच्चों के लिए ये सही लगा, बट हम लोग देखेंगे उनका एक बार क्लास स्टार्ट हो जाए कैसे पढ़ा रहे क्या, क्योंकि ब्रिटिश करिकुलम में मोस्टली होमवर्क वगैरह कुछ नहीं होता है घर के लिए, आई थिंक ग्रेड 5 तक तो कुछ भी नहीं होता है, तो मुझे टाइम मिलेगा, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना, इवनिंग को उनको मैं आराम से 1-1.5 घंटा टाइम दे सकती हूँ पढ़ाने के लिए, बैठा सकती हूँ, तो उस टाइम पे हम लोग सोच रहे हैं, हमने अभी तक सोचा है, देखते अप्लाई करने पे क्या होता है, कि हम जैसे दोनों ही इंडियन करिकुलम से हैं तो थोड़ा सा CBSE टच उनको देंगे, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस में आगे जाके, क्योंकि CBSE आपको पता है कि कितना वास्ट है, तो थोड़ा सा टच उनका CBSE का हम लोग रखेंगे एंड फिलहाल वो अपना ब्रिटिश करिकुलम ही मतलब पढ़ते जाएंगे एंड हम लोग घर पे थोड़ा सा इंडियन टच रखेंगे। अगर बाय चांस वो लोग कंफर्टेबल हो गए इंडियन करिकुलम में, या देखेंगे आगे उनका करिकुलम चेंज करना है कि क्या करना है, वो तो बहुत मतलब दूर की बात है, बट फिलहाल हमने ये सोचा है। एंड अगर आप में से कोई ऐसा कुछ फॉलो करता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, बहुत हेल्पफुल होगा। ब्लॉगिंग से आप बहुत कुछ मतलब दूसरों से भी सीखते हो एंड
कुछ कुछ आप लोगों को सिखाते भी हो तो काफ़ी फ़ायदा भी होता है। तो बस गाइज, और क्या, और कुछ नहीं, और दिन भर का मैंने भी पता था, और कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं। शाम को थोड़ा सा बाहर जाएंगे, बच्चों को पढ़ाना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, बस यही है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइज।